So, दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं मुझे कमेंट में कि भैया ट्रेनिंग की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मुझे एचआर का कॉल नहीं आ रहा है, और ट्रेनिंग में क्या होता है, और मतलब कोई कॉल कर रहा है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ में। तो देखो यार, जब हम नए नए होते हैं मतलब ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब यदि एक्सपीरियंस हो पता है हमें प्रोसेस तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब लेकिन नए नए होते तो हमें पता नहीं होता है और वहां पर खतरा रहता है जॉब का। क्योंकि लेट्स आप फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर रहे हो, अभी तक बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि जब हम फ्लिपकार्ट में अप्लाई करते हैं तो फ्लिपकार्ट डायरेक्टली हमें हायर नहीं करता है, फ्लिपकार्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है एमएनसी कंपनियों को, जैसे कि टेक महिंद्रा है, टास्कर्स है, टेली परफॉर्मेंस है, और भी बहुत सारी है और के नाम नहीं आ रहा मेरे को। तो इनको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एंड ये जो है हायर करते हैं फ्लिपकार्ट के लिए, ये इनके एम्प्लॉयज फ्लिपकार्ट के लिए काम करते हैं, इनका बस ये रहता है, मतलब फ्लिपकार्ट डायरेक्टली नहीं, वो आउटसोर्स करता है। आपने यदि कॉमर्स ली होगी 12वीं में 11वीं में तो आपने बीपीओ के बारे में पढ़ा होगा, बिजनेस जो होता है ना बीपीओ आउटसोर्सिंग होता है, मतलब किसी काम को आउटसोर्स करना, मतलब लेट से कि मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, अब मेरा काम है कंटेंट को क्रिएट करना, अब मुझे मुझे पता है कि कैसे क्रिएट करना है, लेकिन लेट से कि मेरे को एडिट करने में इतनी महारत नहीं है, मेरे को एडिट करना अच्छे से नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, इस काम को आउटसोर्स कर दूंगा, किसी एक बंदे को हायर करूंगा, किसी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा कि भाई मेरे जितने भी वीडियो रहेंगे, मेरे ब्लॉगिंग के वीडियो, गेमिंग के वीडियो लेट से, या फिर मेरे कोई भी एजुकेशनल वीडियो है तो वो तुम्हें एडिट करना है, तो वो बंदा एडिट करेगा, मैंने उसको कॉन्टेक्ट दे रखा, मैंने उसको बोल रखा है, जो भी हम दोनों के बीच में बात हुई, मतलब कि मैंने मेरे काम को आउटसोर्स कर दिया है, काम मेरा है लेकिन मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया है। अब वैसे ही फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का काम यह है कि फ्लिपकार्ट को इम्प्लॉय चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उस काम को आउटसोर्स कर दिया, उसका मेनली फोकस प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्केटिंग वगैरह एंड जो फ्लिपकार्ट का यूआई है, बैकएंड में क्या है, कैसे क्या प्रोग्रेस हो रही है उन पर है, ठीक है। तो जो ये काम है ना हायरिंग का, एम्प्लॉयज को हायर करना, कस्टमर केयर से बात करना, ये सारा काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, इसमें क्या उनका टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, एंड मोस्टली जो ये बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां होती है इनका काम यही रहता है कि एम्प्लॉयज को हायर करना बल्क में एंड ये सब मैनेज करना, कस्टमर केयर से जो भी इंक्वायरी है, एंड ऐसा होता है कि जब भी आप इनके थ्रू बात करते हो, जो भी ये कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो सारी इनका एक्सेस रहता है फ्लिपकार्ट वालों के, क्लाइंट के पास में, एंड ये ऑडिट भी करते हैं कॉल, ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट ने काम आउटसोर्स कर दिया तो वो भूल गए कि हमारे कस्टमर है और हमारे कस्टमर हैप्पी है नहीं है हमारी सर्विस से, उनको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, तो उसके लिए जो है ऑडिटर होते हैं क्लाइंट से, वो ऑडिट करते हैं कॉल को, हर एक बंदे की कॉल ऑडिट होती है और कभी भी क्लाइंट कभी भी आपकी कॉल को ऑडिट कर सकता है, तो इस भ्रम में मत रहना कि आपकी कॉल ऑडिट नहीं होगी। वेल पूरा तो मुझे इन डिटेल में प्रोग्रेस नहीं पता है, प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे अप्लाई किया था, कैसे मैं ज्वाइन हुआ था, क्योंकि 1 साल हो गए, लेकिन जितना भी पता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने नौकरी ऐप के थ्रू अप्लाई किया था बहुत सारी जगह पर, टेक महिंद्रा, टेली परफॉर्मेंस एंड टास्कर्स एंड और भी ये बहुत सारी जगह जहां पर मैंने अप्लाई किया था, फ्लिपकार्ट के लिए ले लो, अमेजोन के लिए ले लो, मोस्टली मैंने फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई किया था, चैट प्रोसेस के लिए ज्यादा अप्लाई किया था, वॉइस प्रोसेस के लिए भी अप्लाई किया था। अब मेरा सिलेक्शन हुआ वॉइस प्रोसेस के लिए, क्योंकि उस समय पर बल्क हायरिंग चल रही थी बीबीडी के लिए, जो ये बिग बिलियन डे सेल आने वाली है अक्टूबर में आएगी, उसके मतलब उस सेल में मैं काम कर चुका हूँ, बीबीडी की जो सेल होती है, बहुत सारा इंसेंटिव मिलता है, ओवर टाइम करते तो उसका पैसा मिलता है, उसकी एक लंबी कहानी है यार, मतलब वो ओवर टाइम वगैरह सब कुछ मैंने किया भी था, वो थोड़ा मेरे को रिग्रेट हुआ कि मेरे को नहीं करना था ऐसा वैसा, वो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं आगे बात करूंगा इस वीडियो में, हो सका तो वीडियो को अभी पूरा देखना आप, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि पहले आपको नौकरी ऐप के थ्रू अप्लाई करना है, बाकी एप्लीकेशन को बाहर में जान दो, आप नौकरी ऐप पर अकाउंट रखो, वहां पर आपके अच्छी प्रोफाइल को अप टू डेट रखो, वहां से अप्लाई करो, ठीक है, बहुत सारी जगह पर अप्लाई करो, एक ना एक जगह से कॉल आएगा, माइट भी हो सकता है कि अभी जैसे बल्क हायरिंग चल रही होगी फ्लिपकार्ट के लिए वॉइस प्रोसेस के लिए, तो मोस्टली आपको एचआर का कॉल आएगा, वो इट कुड बी फ्रॉम टेली परफॉर्मेंस और इट कुड बी फ्रॉम टेक महिंद्रा, इट कुड बी फ्रॉम टास्कर्स, टास्कर्स से तो नहीं आएगा, टास्कर्स मोस्टली वर्क फ्रॉम ऑफिस ही देती है, वर्क फ्रॉम होम नहीं देती है, एंड वहां पर मिनिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, वो फ्रेशर को हायर नहीं करते, एंड आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट नहीं चलता है। तो देखिए यार, मैं बात करूँ टेक महिंद्रा की, तो वो हायर कर लेंगे, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहती है वहां पर लिखा रहता है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा नौकरी ऐप पर। तो मान लीजिए आपको एचआर का कॉल आ गया, एचआर ने आपसे बात करी एंड आपके बारे में कुछ पूछा, फिर आपको बोला कि ठीक है आपकी प्रोफाइल जो शॉर्टलिस्ट हुई है एंड कुछ ही देर में इंटरव्यू आपका फिक्स किया जाएगा, आपसे टाइम पूछा जाएगा, इंटरव्यू फिक्स होगा,
आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन में क्या क्या कर रहे हो, एंड आगे 5 साल में खुद को क्या देखना चाहते हो, इस जॉब को क्यों करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट के बारे में क्या जानते हो, कम्युनिकेशन कैसी क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानते हो, किसी कस्टमर कोई कस्टमर गुस्से में तो उससे कैसे बात करनी है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली आप कॉन्फिडेंट होकर आराम से शांति से जवाब देना, एंड उसके बाद में आपका एक दो राउंड और होगा, फाइनल राउंड हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको वेट करना होगा, आपको बोला जाएगा जो फाइनल राउंड है उसमें बोला जाएगा कि ठीक है आपको हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा कुछ टाइम में। फिर आपको आई थिंक एचआर के साइड से कॉल आएगा, 24 घंटे में ही एचआर आपको बताएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो भी आपके सवाल है वो उसी समय एचआर से पूछ लेना, सैलरी का रिगार्डिंग ये सब वगैरह वो एचआर आपको बताएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको बार बार टाइम टू टाइम मीटिंग भी होती रहेगी आपकी, लेट्स आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने सैलरी का रिगार्डिंग नेगोशिएशन डिस्कस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब आप आगे प्रोसेस ऑन बोर्ड हो गए आपको जूम मीट में लिया बुलाया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपके बेस्टमेट्स रहेंगे अलग अलग जगह से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप आपस में डिस्कस करोगे कि भैया तेरी सैलरी कितनी है, तेरी कितनी है, कोई उसमें एक्सपीरियंस रहेगा, कोई प्रेशर रहेगा, तो जो एक्सपीरियंस रहेंगे वो आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो ऐसा है, आप घबराइए मत, आराम से इजी प्रोसेस है, हो जाएगा। एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में ग्रुप में ऐड किया जाता है, आपको एक लिंक दी जाएगी, फिर सब कुछ बताया जाएगा, एंड बातचीत होगी, इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद में जो है एक तारीख फिक्स रहेगी, आपको बता दिया जाएगा उस तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग डेली आपको 9 घंटे देने हैं, मतलब 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, एंड पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, मतलब योडा क्या होता है, स्मार्ट असिस्ट क्या होता है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे लॉग आउट करना है, एंड शिफ्ट टाइमिंग में ही लॉग इन करना है, रोटेशनल शिफ्ट रहेगी मोस्टली आपकी, मतलब आगे से आपका शेड्यूल आएगा, हर हफ्ते जो आपका समय है वो चेंज होता रहेगा, टाइमिंग आपका चेंज होगा, कभी स्प्लिट शिफ्ट रहेगी, स्प्लिट मतलब 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, या फिर 4 घंटे दोपहर में 4 घंटे शाम को, या फिर 4 घंटे शाम को या फिर 4 घंटे सुबह, मतलब ऐसा स्प्लिट में रहेगा 4 4 घंटे में, या फिर एक कंटिन्यूस में रहेगा, मतलब रोटेशनल में कंटिन्यूस में रहेगा, मतलब कि 8 घंटे लगातार आपको करना है, मतलब 9 घंटे करना है जिसमें से 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, और जो आप जहां से कॉल लेते हो वहीं पर आपके पास में ऑप्शन देता है ब्रेक का, टी ब्रेक का, लंच ब्रेक का, और भी है 2 3 और ब्रेक देते हैं, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो वो ब्रेक आप ले सकते हो। एक ट्रेनिंग भी रहता है वहां पर, लेकिन वो आपको नहीं सिलेक्ट करना है, वो कब सिलेक्ट करना है जब आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरी मीट पे बुलाया जा रहा है, आप कॉल ले रहे थे तो आपको वहां पर ट्रेनिंग का ब्रेक लगाना है, या फिर फीडबैक का भी रहता है, लेट से आपकी कॉल ऑडिट हुई है, ठीक है, अब आपकी शिफ्ट चल रही है, आप कॉल ले रहे हो, तो आपका जो क्यूए है वो आपको दूसरी मीट पे बुलाएगा, ठीक है, आपको फीडबैक देने के लिए, तो आपको फीडबैक का वहां पर लगाना है, उसको क्या बोलते हैं ठीक से मेरे को नाम नहीं आ रहा है, फीडबैक का पंच करना उसको, जो ब्रेक होता है उसको, उसे वहां पर रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, जो कॉल मॉनिटर करते हैं ना उनके पास में रिकॉर्ड में रहेगा कि ये फीडबैक पे है अभी, एंड वो क्यूए से कंफर्म भी करेंगे, क्यूए भी आगे कंफर्म कर देते हैं हाँ ये बंदा मेरे साथ है, मैं इसको फीडबैक दे रही हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऐसे ही आप नॉर्मली कॉल लोगे, कॉल में मतलब शुरू शुरू में परेशानी ये होगी आपको कि कस्टमर से बात करते हो, आपको टैगिंग भी करनी है बात करते करते, मतलब ट्रेनिंग टाइम में तो ऐसा है कि आपको छूट दी जाएगी, मतलब कस्टमर से बात करी, कस्टमर की प्रॉब्लम आपने समझी, अब आपको पता चल गया है कि कहाँ कहाँ टैगिंग करनी है, कस्टमर की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आप ऑफलाइन चले जाओ, ऑफलाइन जाने के बाद में आराम से टैगिंग करो प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कब तक चलेगी, ट्रेनिंग तक चलेगा। फिर आपका आएगा सर्टिफिकेशन का टाइम, सर्टिफिकेशन का टाइम आता है ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद में, जहां पर आपका सर्टिफिकेशन होता है मतलब कि आपका टेस्ट लिया जाता है कि जो अभी आपके ट्रेनिंग में सीखा आप तैयार हो ऑन दी फ्लो जाने के लिए, ऑन दी फ्लो मतलब कि आप कस्टमर से लाइव बात करोगे, जहां पर आपको कस्टमर से लाइव बात करते हुए टैगिंग करनी है प्रॉपरली, सब कुछ करना है, एंड उस टाइम पर आपने कुछ भी करना है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वहां पर आप गलत टैगिंग करोगे, कुछ भी गलत करोगे मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होगा वहां पे, तो वहां पे सब कुछ छूट रहेगी आपकी, वहां पे चलेगा, ट्रेनिंग में आप गलत टैगिंग कर दोगे या गलत नोट्स में मेंशन कर दोगे तो कुछ भी चलेगा वहां पर, सब कुछ छूट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे नहीं पता है ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद में आपका सर्टिफिकेशन टेस्ट होगा, उसमें आपको क्लेरिफाई करना है, मतलब उसको कैसे भी क्लियर करना है, पास हो जाओगे नॉर्मली हो जाओगे पास, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास हो जाओगे उसके बाद में जो है आपको ऑन बोर्ड किया जाएगा, मतलब ऑन दी फ्लो जाओगे आप, फिर आपको टीएल को असाइन किया जाएगा, जो ट्रेनिंग का टाइम रहेगा उसमें कोई टीएल नहीं रहेगा आपके साथ में, क्योंकि आप एक्चुअल में कोई कॉल नहीं ले रहे हो, फ्लोर पे नहीं हो, फ्लोर पे ही टीएल आपको असाइन किया, तो ट्रेनिंग टाइम में जो भी रहेगा वो ट्रेनर रहेगा आपके साथ में, आप मस्ती मजाक लेते हुए कॉल ले सकते हो, कोई कॉल ठीक से उठाओगे, ठीक से बात करोगे नहीं करोगे, कॉल बीच बीच में कट भी जाएगी, चलेगा, ये सब होल्ड पर रखोगे ज्यादा होल्ड हो जाएगा, होल्ड एक्सीड होगा, 5 मिनट 10 मिनट का होल्ड होगा, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि
कस्टमर ने कुछ क्वेरी बोली, अब आपको नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप क्या करोगे, कस्टमर को होल्ड पर रखोगे एंड फिर आप मैम से बात करोगे, आपकी जो ट्रेनर या सर रहेंगे उनसे बात करोगे, फिर वो आपको जवाब देंगे कि ऐसे ऐसे करो, आप वैसे वैसे करोगे, उसके बाद में फिर आप होल्ड हटाओगे, आपको एक पीच भी रहती है, मतलब जैसे कस्टमर की कॉल आएगी, ठीक है। इसके लिए ना आप मेरे वीडियो देख लेना जिसमें मैंने लाइव कस्टमर से बात करी है, तो मैं अभी अभी करके बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कस्टमर की कॉल आएगी, प्रॉपर लैंड होगी आपके जो जो आपका एक ऑप्स अवाया या भी स्मार्ट असिस्ट जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वहां पर कॉल लैंड होगी, बोलोगे आप नमस्कार सर, फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। कस्टमर बोलेगा कि सर एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट आज आने का था लेकिन अभी तक जो है वो आया नहीं है, तो क्या आप चेक कर सकते हो। तो आप चेक करोगे, ये ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए आया है वो बंदा, तो आप ऑर्डर स्टेटस की इंक्वायरी देखोगे, उसका प्रोडक्ट देखोगे। आप पहले उससे पूछोगे कि सर क्या मैं जान सकता हूँ आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर का नाम बताएगा वो, फिर आप चेक करोगे उसके ऑर्डर में आपको दिख जाएगा जी। सर क्या आप इस शॉक्स की बात कर रहे हो जिसकी प्राइस 249 रुपीज है, तो बोलेगा हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आप फिर चेक करोगे, आपको सिस्टम पर बताया जाएगा कि वो आउटफिट डिलीवरी हुआ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर कस्टमर को बोलोगे सर जैसा कि मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ आपका जो प्रोडक्ट है नियर बाय हब में आ चुका है एंड ये ऑन और बिफोर 12 अप्रैल से पहले पहले जो है आपको डिलीवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, कोशिश की जाएगी, इस बात पर इतना जोर दिया जाएगा, आपका जो SME रहेगा, आपका जो TL रहेगा, आपका ट्रेनर, आपका QA, हर कोई आपको यही बोलेगा कि आपको कभी भी श्योरिटी नहीं देनी है इस जॉब के अंदर, आपको कस्टमर को कभी भी गलती से भी श्योरिटी नहीं देनी है। आपने कभी कस्टमर के से बात करी होगी, ऐसे कस्टमर मतलब कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करी होगी कोई भी आपके एक्चुअल में फ्लिपकार्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको बोलेंगे कि सर 12 अप्रैल से पहले पहले या फिर जो भी तारीख है मैक्सिमम वहां पर एक प्रॉमिस डेट होती है सेलर के द्वारा, उस प्रॉमिस डेट को ऐसे उसे बोला जाएगा कि सर 12 अप्रैल से पहले पहले आपके प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी, आपको प्रोडक्ट आपके यहां पर डिलीवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, जल्द से जल्द पूरी कोशिश की जाएगी, आपको यही लाइन देनी है, ठीक है। आप बोलोगे सर पूरी कोशिश की जाएगी, अच्छा कस्टमर फिर बोल सकता है कि ठीक है ओके, कॉल वहां पर रख सकता है या फिर कस्टमर और कोई सवाल पूछ सकता है, कस्टमर पूछ सकता है अच्छा मुझे ये बताओ कि लेट से कस्टमर ने मोबाइल ऑर्डर किया, कस्टमर पूछ रहा है कि इसमें रैम कितनी है, 128 GB है 256 GB है, तो आप चेक करके बता दोगे वहां पर क्लियरली लिखा रहेगा कि 128 GB, आप बता दोगे 128 GB, कस्टमर बोलेगा मैंने तो 256 GB ऑर्डर किया था, फिर आप बोलोगे नहीं सर एक्चुअली यहाँ पर 128 GB है, तो कस्टमर बोलेगा एक काम कर दो इसे कैंसिल कर दो। तो फिर आपको पहले तो आपने स्टेटस चेक किया, तो स्टेटस चेक के आपको टैगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फिर कस्टमर ने बोला कि ये तो बाय मिस्टेक ऑर्डर हो गया, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल का भी वहां पर टाइमलाइन रहता है कि यदि कस्टमर ने लेट से कि प्रोडक्ट ऑर्डर करे 24 घंटे हुए तो आप कैंसिल कर पाओगे, लेकिन यदि ऑर्डर ऑलरेडी शिप हो गया है नियर बाय हब में पहुंच गया है तो फिर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे वो, फिर आप बोलोगे सर एक्चुअली मैं माफी चाहूंगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं आपका जो प्रोडक्ट है वो नियर बाय हब में पहुंच चुका है, तो मैं माफी चाहूंगा अभी ये सेलर की साइड से कैंसिल नहीं हो पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब डिलीवरी बॉय आपके पास में प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आए तब आप आपकी साइड से जो है कैंसिल कर सकते हो सर। बस इतने प्यार से आपको कस्टमर को समझाना है, कस्टमर समझ जाएगा कि हाँ ठीक है डिलीवरी बॉय को मना करना है, तो वो वहां से समझ जाएगा, वो बोलेगा ठीक है ओके सर। और कोई भी सवाल हो सकता है कस्टमर का दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या फिर लेट से कि BBD सेल चल रही है, कोई ऑफर चल रहा है तो वो सेल के रिगार्डिंग कोई ऑफर के रिगार्डिंग पूछ सकता है, तो आपको लाइव फ्लिपकार्ट पे जाकर उसको चेक करना पड़ेगा। लेट से कस्टमर ने बोला कि सर मेरे को बाइक खरीदनी है तो आप मुझे बता दोगे कि क्या प्रोसेस रहेगी, तो आप कहोगे सर एक्चुअली क्या है ना कि बाइक के रिगार्डिंग ये जो टू व्हीलर से या फिर फोर व्हीलर से, मतलब फोर व्हीलर तो सेल नहीं होती फ्लिपकार्ट पे, टू व्हीलर से होती है बाइक वगैरह, तो आप बोलोगे सर इसके रिगार्डिंग ना आपको एक अलग डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, मैं आपको नंबर देता हूँ, आपके पास में एक नंबर रहेंगे, आप वो नंबर आपके ट्रेनर से ले सकते हो, SME से ले सकते हो, ट्रेनर TL से ले सकते हो, फिर आप बताओगे सर आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आगे की जानकारी वहीं से आपको बता दी जाएगी। फिर कस्टमर से आप बोलोगे सर और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी, तो कस्टमर बोलेगा जी जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आप जो क्लोजिंग स्क्रिप्ट है वो दोगे, ओके सर सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी साइड से, यदि आपको लगता है कि इस कॉल के दौरान मैंने आपकी बिल्कुल थोड़ी भी मदद कही सर, आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस कॉल के खत्म हो जाने के बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक सर्वे रिसीव होगा सर, वो सर्वे आपकी और मेरी बातचीत के ऊपर रहेगा सर, कि आपको मुझसे बातचीत करके कैसा अनुभव रहा, मतलब आपको मेरा कैसा बिहेवियर लगा इस कॉल के दौरान, उसका जो है आप रेटिंग जरूर दीजिएगा सर, आपकी जो रेटिंग है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, बस आपको इतना सा बोलना है एंड कॉल खत्म। फ्लिपकार्ट में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद सर, हैव अ गुड डे, ओके बस क्लोजिंग स्क्रिप्ट हो गई। तो ये थी पूरी स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी है, ओपनिंग आपको देनी है जैसे ही कॉल लैंड होगी, आप बोलोगे नमस्कार सर फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ।
एंड यदि ये तो हिंदी में हो गई, अब कभी इंग्लिश में आया तो आप बोलोगे वेलकम टू फ्लिपकार्ट, हाउ मे आई हेल्प यू सर। अब ये इंग्लिश में हो गई एंड लेट्स से कि फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हो, कस्टमर बोलेगा वेल आई हैव सम क्वेरी रिगार्डिंग माय रिसेंट ऑर्डर विच वॉज डिलीवर्ड टू मी ऑन 12th of April एंड आई एम हैविंग सम इशू लाइक आई एम अनेबल टू अनपैक दिस ऑर्डर। वेल कुछ भी कह सकता वो, इट्स नॉट वर्किंग और इट्स डैमेज, आई रिसीव द रॉन्ग प्रोडक्ट विच कुड बी लाइक एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आगे गाइड करना है, आगे बातचीत करनी है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका वर्किंग आवर रहेगा ना डेली का 8-9 घंटे आप कस्टमर से ही बात करोगे, तो इसमें कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पर कम्युनिकेशन ही आता है। एंड इससे आप कुछ सीखो ना सीखो लेकिन कम्युनिकेशन जरूर सीखोगे एंड इंग्लिश भी सीख जाओगे आप। वेल मुझे जॉब करने के पहले से इंग्लिश काफी अच्छी, मैं फ्लुएंटली बात कर लेता हूँ तो उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। मतलब इंग्लिश में यदि कस्टमर बात कर रहा है तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली उससे बात करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि एक्सेंट आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करो, हाउ भाई नाम सचिन, ऐसा अमेरिकन एक्सेंट में नहीं, जैसे कस्टमर बात कर रहा है नॉर्मली वैसे ही बात करना है। क्योंकि कस्टमर भी कुछ कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो सामने होते हैं, वो क्या है कि कोई कोई वर्किंग वुमेन रहती है, वो जॉब करती है, अब वो जहाँ पर जॉब करती है उनका एनवायरमेंट पूरा इंग्लिश वाला होता है, तो वो आपसे प्रोफेशनली इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो आपको भी इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। कुछ कुछ हो सकता है आपको पंजाब की कॉल भी आ जाए, वैसे तो आएंगे नहीं, उनका एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, बट कभी कभी मान लो आ जाए, अब वो पंजाबी में बात कर रही है, तो भाई कर सकते हो आप, वैसे आप बोल सकते हो कि सर मैं माफी चाहूंगा मैम, क्या आप हिंदी में कंफर्टेबल रहोगी या फिर इंग्लिश में बात कर सकती हो। वो बोलेगा ठीक है, तो वो हिंदी में बात करेगी या फिर इंग्लिश में बात करेगी, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश का ही रहेगा, आपको जो कॉल आएगी वो हिंदी और इंग्लिश की आएगी। कभी कभी हो सकता है बाय मिस्टेक कि आपको तमिल या तेलुगु की कॉल आ जाए, क्योंकि होता है क्या कि लेट से कि मैं तमिल तेलुगु बोलता हूँ, अब मैंने कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज किया फ्लिपकार्ट, तो वहां पर मेरे पास में लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो मेरे को हिंदी की कॉल आएगी, तमिल की कॉल थोड़ी आएगी। तो वहां पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव से मैं तमिल में बात करूंगा तो वो मेरे को बोलेगा कि सर मैं माफी चाहूंगा, आप या तो हिंदी में बोलिए या फिर इंग्लिश में बोलिए, यदि आपको तमिल में बात करनी है सर तो आप दोबारा कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज कीजिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाकर, एंड वहां पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप तमिल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। दैट्स इट, आपको ऐसे ही बताना है, बाकी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो यार, और मेरे पुराने वीडियो देखो जहां पर मैं लाइव कस्टमर से बात कर रहा था, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे जो है कस्टमर से आपको बात करनी है। अभी मतलब आपका यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अभी सिलेक्शन के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेशन को क्लियर करना आपको, एंड ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी, फिर फ्लोर पे जाओगे आप, फ्लोर पे जाने के बाद में ही आप वो उस वीडियो को देख सकते हो जहां पर मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, एंड कैसे कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, बहुत सारे सवाल रहते हैं यार। और ये जो जॉब रहती है 8-9 घंटे की, इसमें इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप फिर बाकी वीडियो देखो जब आप फ्लोर पर रहोगे कि यार कैसे बात करनी है, थोड़ा बहुत मिलेगा तो यदि समय मिले तो मेरे उस वीडियो को देख लेना। बाकी इस वीडियो को लाइक किया नहीं किया, और कोई आपके कॉमेंट, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो, वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपका सवाल हो। बस यही था इस वीडियो में, जो भी मेरे को याद आ रहा है वो मैंने शेयर किया आपके साथ में, और कोई भी सवाल सुझाव हो आपके तो आप कमेंट में जरूर बताइए।